नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर राजन मंसल है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी जयपुर में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे साथ हैं लक्षित के फादर, ये झुंझुनू के रहने वाले हैं। आज से 1.5 महीने पहले लक्षित को ही हमारे पास लेके आए। इसका जो प्रॉब्लम था उसमें लेफ्ट किडनी का मुंह जन्म से ही बंद था, जिसके कारण से किडनी में स्वेलिंग थी। और जब सभी टेस्ट किए, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट गामा स्कैनिंग होता है, उससे कंफर्म हुआ ये जो किडनी का मुंह है वो बंद है। इसके कारण से रुकावट और किडनी में स्वेलिंग हो रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने इनको ऑपरेशन की सलाह दी। इनका जो लेप्रोस्कोपी द्वारा, जिसमें 3 छोटे होल करके जो किडनी के मुंह को रिपेयर कर दिया गया, और उसके बाद एक स्टेंट लगाया और आज उस स्टेंट को हटाया 1.5 महीने के बाद। आइए जानते हैं लक्षित के फादर से उनका हम लोग के हॉस्पिटल में अनुभव कैसा रहा। नमस्कार सर। मुझे जब पता चला पहली बार कि बच्चे के किडनी में प्रॉब्लम है सोनोग्राफी के द्वारा, तो वैसे ही फीलिंग्स हो जाती है बच्चे को कि बच्चा, तो उसको देख के बस गिल्टी फील हो रहा था, वो ऐसे मतलब निराशाएं आ गई थी। फिर मैं उसको सीकर ले गया, सीकर वहाँ पे MRI करवाया, वहाँ भी कंफर्म नहीं हुआ। फिर मुझे आपके संस्थान के बारे में पूरे से भी नॉलेज था, और मैं यहाँ आके मैंने गामा स्कैन के बाद में डॉक्टर साहब से मिला, और उन्होंने कहा कि भाई कुछ दिन से ऑपरेशन होगा। बहुत ही अच्छा ऑपरेशन हुआ, बहुत जल्दी हुआ और बहुत ही फैमिलियर माहौल में हुआ। मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सब पूरे स्टाफ का धन्यवाद करूँगा। मुझे मेरे बच्चे को नई जिंदगी मिली है, नया अनुभव मिला है, और नई ही जो परेशानियाँ थी वो सारी दूर हो गई अभी तक। और जो आगे आप कहोगे उसी हिसाब से जो फॉलोअप है वो मैं करता हूँ। तो आपने देखा लक्षित का हम लोग हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके फादर के द्वारा। इसका जो किडनी का मुंह था उसको रिपेयर कर दिया लेप्रोस्कोपी द्वारा, आज स्टेंट निकाला गया है। आगे फॉलोअप के लिए हम पेशेंट को बुलाएंगे, एक बार 6 हफ्ते के बाद सोनोग्राफी करते हैं और गामा स्कैनिंग करके किडनी ऑपरेशन का सक्सेस रेट को कंफर्म करते हैं कि वो जो रुकावट था वो पूरी तरीके से ठीक हुआ या नहीं हुआ। इस तरह की कभी भी प्रॉब्लम होती है तो आपको अपने नियर बाई यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। कभी भी किडनी का मुंह बंद हो ये इसमें पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन ये रूटीन चेकअप में काफ़ी पहले पकड़ में आ जाता है। काफ़ी लोग यदि इसको रूटीन चेकअप नहीं कराए, जैसे लक्षित को तकलीफ कुछ और थी लेकिन जब चेकअप कराया तो उसमें पता चल गया किडनी का मुंह बंद है। काफ़ी बार ये नहीं पता चलता और लंबे समय तक ये रुकावट बनी रहे तो किडनी डैमेज भी होती है। इसलिए आजकल रूटीन चेकअप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सभी चीज़ नॉर्मल है तो आगे कुछ जरूरत नहीं होती, और कोई दिक्कत होती है तो वो बहुत ही अर्ली स्टेज में पता चल जाती है। धन्यवाद। धन्यवाद।